लखीमपुर खीरी हिंसक मामले में दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष के घर का घेराव किया। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मामले में शामिल सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुए हिंसक मामले के बाद का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले के बाद से ही सभी विपक्षी पार्टी के नेता प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस ने पूरी तरह से इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने का मन बना लिया है, इसी कड़ी में दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बाहरी जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला के निवास का घेराव कर इस मामले की कड़ी निंदा की। कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से सीएम योगी और पीएम मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर पहले से ही प्रदर्शन पर हैं, जबकि एक मंत्री के बेटे द्वारा किसानों की रौंद कर हत्या कर दी गई, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा सुनील जी, आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे है ये जो अभी किसानों की हत्या की गई है जान पूछ के, गाड़ी चढ़ा दी गई उनपे, कम से कम थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि भाई बातें सुने उनकी। मंत्री का लड़का है, किसान तो अपनी जो है उसके सामने बातें लेके जाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि हमारी ये समस्या इतने साल से है, एक साल से ऊपर उनको हो गया कम से कम, तो कम से कम उनकी बातें सुननी चाहिए ना कि उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के उनको रोन दिया जाए। आप बताओ कि ये बात कोई जायज है? मुआवजा मिल रहा है, पैसा मिल, सबसे बड़ी बात मुआवजा मिल रहा है, पैसा तो गवर्नमेंट कुछ भी दे सकती है, गवर्नमेंट के पास तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना, चाहे कोई मंत्री है चाहे कोई साधारण व्यक्ति है, कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। तो काम किया जाए, नौकरी और पैसे से तो चलो उनके कुछ दुख दूर होंगे, लेकिन उनके आदमी की भरपाई थोड़ी ना हो जाएगी। बाबा का ये कहना कि सारे देश में बाबा है, है? अब बाबा के ऊपर ये दुनिया बनी हुई है, बाबा ही ने बनाया है, ये जो किसान है सब बाबा ही के हैं, इनके बच्चे हैं, क्यों मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं, इनको भोजन मिलना चाहिए, सब कुछ। किसान कोई गरीब नहीं है, सब अमीर है, है? किसानों को सुननी चाहिए। ये मोदी जी जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे, यूपी में होगी कर रहे ये अच्छा नहीं कर रहे, ये बाबा का करामात है। अरे ये बाबा कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैं मार दूंगा, है ये सब है, ये कोई बात अच्छी नहीं है। अभी अभी मुझे ये बताएं, जो हत्याएं हुई हैं उस पे क्या कहेंगे आप? आपके अंदर दर्द तो दिखाई दे रहा है। हत्याएं हुए हैं, अपने आप को ये नहीं देखा है, ये सब ने देखा है कि ये जो दिया जा रहा है सबको खरीदा जा रहा, ये किसान पार्टी जो दे रहे हैं इनको काम धंधे, ये कोई अच्छा नहीं काम है, है? ये किसानों को खरीद रहे पैसे देके, किसान कोई गरीब नहीं होता, एक एक बेटा किसान के सब अमीर है, गरीब रहते वो सारे अमीर है, हम उनके लिए तैयार है जो दुश्मन खड़ा करे। मेरा नाम सुखबीर कांग्रेसी है जी, और ये जो आज हम जिला कार्यालय पे पूरे पे प्रदर्शन पूरी दिल्ली में हो रहा है, और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो ताना सरकार है, नहीं आज जो प्रदर्शन हो रहा है पूरी दिल्ली में हो रहा है, पूरी दिल्ली में हो रहा है, जिला कार्यालय, हाँ जितने बीजेपी के कार्यालय हैं सभी कार्यालयों पे हो रहा है, जिला कार्यालय पे, और जो ये जो ताना सरकार है मोदी सरकार, इसको हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो करना चाहती है, गुंडों को बचाना चाहती है और अत्याचारी और बलात्कारियों के साथ खड़ी हो जाती है, ये क्यों खड़ी हो जाती है, और इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी कांग्रेस, और जब तक इनको गिरफ्तार नहीं कर लेती जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। सर परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिचंदन शर्मा है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी वार्ड 44 से। क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को प्रदर्शन के द्वारा? सर संदेश हमारा यही है, जो निर्मम हत्या किसानों की, उनके जो हत्यारों को जो अरेस्ट किया जाए और जेल में डाला जाए, और जो बड़ बोलने जो हरियाणा मुख्यमंत्री वो कह रहे कि लखे तैयार कर लो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराए, और जो ये जो गृह राज्य मंत्री मिश्र जी उनके ऊपर भी मुकदमा कराए।
हालांकि लखीमपुर खीरी में सभी मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही 45-45 लाख रुपए प्रति परिवार आर्थिक सहायता मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। जबकि प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने मामले में शामिल सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बहरहाल अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज होती दिख रही है। शायद इसी का परिणाम है कि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि इस मामले में लखीमपुर खीरी के मृतक किसानों को कब तक न्याय मिल पाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।